मैं एडवोकेट अनमोल गोस्वामी नागपुर से। दरअसल बात ऐसी है कि कपिल नगर पुलिस स्टेशन में 15 दिन पहले एक अपराध दाखिल हुआ। उस अपराध का विस्तृत वर्णन इस तरह से है कि एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र केवल 15 साल, उसके पिता का वो छोटी रहते ही देहांत हो जाता है। उसकी मम्मी जो है उसके पापा के देहांत के बाद किसी और के साथ शादी करके चली जाती है। वो बच्ची किसी अपने मामा के साथ अपनी मौसी के साथ रहकर अपना गुजारा करती है। एक दिन वो शादी में जाती है। शादी में एक लड़के के साथ उसकी मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं, अपने मोबाइल नंबर का आदान प्रदान करते हैं। कुछ दिनों बाद मोबाइल पर उनकी बातचीत शुरू होती है। मोबाइल पर वो एक मिक से वार्तालाप करना शुरू करते हैं। बातें करते करते उनका जो है प्यार में उनका रूपांतर होता है। दोनों एक मिक को चाहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद लड़की आती है लड़के के घर और लड़की के माँ बाप से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पापा का देहांत हो चुका है, मेरी मम्मी दूसरी शादी करके कहीं और चली गई है और मैं मामा के घर रहती हूँ। तो मेरे मामा लोग जो है, मेरी मौसी लोग जो है, मुझे बंगले पर काम पर भेजते हैं, तो क्यों ना आप मुझे अपने घर रख लो। लड़के को ये माँ को और लड़की के पिता को उसकी जो है उस पर दया आती है और वो लड़के के माता पिता उसको अपने घर में रखते हैं, पनाह देते हैं। जनवरी 2020 से लेके वो अक्टूबर 2021 तक लड़के के घर में रहती हैं और उसके पश्चात वो दिवाली के दूसरे दिन अपने घर चले जाती है। अपने घर चले जाने के बाद अचानक से 26/2 मतलब अभी अभी 15 दिन पहले वो कपिल नगर पुलिस स्टेशन में आके इस तरह से मामला दर्ज करती है कि इस लड़के ने जो है मुझ पर जबरदस्ती बलात्कार किया। मेरी इच्छा ना रहते हुए भी वो मेरे साथ हर रोज बलात्कार करता था। उसके पश्चात वो शराब पीकर आता था, गाली गलौज करता था, मारने की धमकी देता था। इस तरह से आफ्टर 4 महीने के बाद वो लड़की जो है कपिल नगर पुलिस स्टेशन में एक गुनाह दाखिल करती है। उसके पश्चात वो लड़का जो है सेंट्रल जेल में उसका MCR होके चला जाता है। उसके माँ बाप और लड़के के माँ बाप मुझे मिलते हैं। जब लड़के के माँ बाप जो है मुझसे मिले तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजी है। तो उसके पश्चात ये जो मामला है, मैंने आज गुरुवार दिनांक 10/3/2022 को सेशन कोर्ट में लड़ा, जिसकी सुनवाई न्यायाधीश राजेश पटारे सर के कोर्ट में हुई। पटारे सर ने मामले को बहुत अच्छी तरह से समझा। मैंने उनको FIR भी पढ़ के दिखाया कि देखो, लड़की का खुद कहना है कि लड़के ने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया, मैंने उसका मोबाइल नंबर दिया, मैं बात करती थी, मैं उसके घर में जाकर रही और इन 2 साल में उस लड़की ने कभी भी कोई शिकायत नहीं की पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ में, और अचानक से उस पर एक बलात्कार का 376 का पास्को का गुना दाखिल होता है। तो न्यायाधीश को ये बात समझ में आएगी कि यहाँ ताली एक हाथ से नहीं बजी है। और उसके पश्चात न्यायाधीश ने जो है न्यायाधीश जी माननीय न्यायाधीश जी राजेश पटारे सर, उन्होंने उनको जमानत दी। लड़की की उम्र, जब वो आई थी लड़की, तब तो उम्र भी बहुत कम थी उसकी, 20 साल 19 साल। और लड़का एक कैटरिंग के काम पर जाता है। वो 300 रुपये 400 रुपये 500 रुपये रोज कमाता है और अपना घर संभालता है। उसका एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं, 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ लड़का है। इस मामले में मुझे यही कहना है कि वाकई में किसी महिला पर या किसी लड़की पर बलात्कार हुआ है तो उसको ज़रूर सज़ा होनी चाहिए और मैं उसके साथ में खड़ा रहूँगा। लेकिन यदि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है, मतलब दोनों का संगनमत होकर यदि कुछ होता है, तो किसी बेगुनाह लड़के को अपराधी मानकर उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। ऐसा मेरा संदेश।